गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग कल हम लोग लेक्चर नहीं ले पाए थे, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैंने अवॉइड किया। उसके पहले हम लोग जो लेक्चर कंटिन्यू कर रहे थे उसके अंदर आप लोगों को मालूम है कि हम लोग पत्र लेखन पे काम कर रहे थे, है ना? पत्र लेखन वाला चैप्टर हम लोग कर रहे थे। हाँ सर। आप लोग स्क्रीन पे ये स्लाइड देख पा रहे हैं पत्र लेखन की परिभाषा? हाँ सर। तो हम लोग उसी को एक बार रिवाइज करके उसी को कंटिन्यू करते हैं, है ना? और पत्र लेखन वाले नोट्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिया था, मुझे लगता है आपको ग्रुप में मिल गया होगा। हाँ सर। गुड, वेरी गुड। तो शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि SY में आप लोगों को दो पेपर पढ़ने हैं हर सेमेस्टर में, सेमेस्टर तीन में भी और सेमेस्टर फोर में भी, जिसमें से पेपर टू है और पेपर थ्री है। तो पेपर थ्री जो है फिलहाल हम लोग उसको पढ़ रहे हैं, और पेपर थ्री में जो चैप्टर्स हैं उसमें से पत्र लेखन को लेके एक अलग सा पूरा चैप्टर है, जिसमें औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के पत्रों में से आपके पाठ्यक्रम में खाली औपचारिक पेपर है। तो हम लोग जो है पत्र लेखन देखेंगे, उसके अर्थ महत्व और व्याप्ति के बारे में नोट्स देखेंगे, और औपचारिक पत्रों के बारे में एक तरह से रिवीजन ले लेंगे। जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे पत्र लेखन की परिभाषा, अब इस तरह की परिभाषाएं बड़ी सामान्य होती हैं। कल भी मैंने चर्चा की थी कि पत्र लेखन की आवश्यकता या पत्र लेखन की परिभाषा क्या हो। ये कहते हैं, दूर रहने वाले अपने संबंधियों अथवा मित्रों की कुशलता जानने के लिए तथा अपनी कुशलता का समाचार देने के लिए पत्र एक साधन है। इसके अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए भी पत्र लिखे जाते हैं। कहने का सीधा सा अभिप्राय ये है कि अपनी स्थिति और अपने संदर्भ को बताने के लिए हम लोग एक माध्यम चुनते हैं। वह माध्यम पत्र था, जो लिखकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रेषित किया जाता था। ये संचार का भी एक माध्यम था, लेकिन जैसे जैसे संचार के तकनीकी विकास के साथ साथ नई नई स्थितियां सामने आई, हम देखते हैं कि हमारे पास दूसरे विकल्प हो गए। जैसे पत्र लेखन की जगह आजकल हम लोग ईमेल का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, हम लोग SMS का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, हम लोग WhatsApp जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, चैट साइट्स का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो समय के हिसाब से बहुत सारी चीजों के स्वरूप में परिवर्तन आते जाता है, लेकिन पत्र की अपनी एक गुणवत्ता है, पत्र की अपनी एक स्वीकृति है, और तमाम सरकारी और कार्यालयीन स्थितियों में लिखित रूप से आवेदन करने या लिखित रूप से पत्र देने का अपना एक महत्व है। शायद यही कारण है कि अभी तक हम लोग पत्र लेखन को पूरी तरह से चलन से बाहर जैसी कोई चीज नहीं बता पाए हैं, और वो हमारी चलन में, हमारी परंपरा में बना हुआ है, और आपके पाठ्यक्रम में भी इसी कारण पत्र लेखन को शामिल किया गया है, ताकि आप आवश्यकता भर का पत्र लेखन कार्य कर सके, उसकी जानकारी रखें। अगर आपको नौकरी के संदर्भ में, किसी सरकारी विभाग या कार्यालय में किसी कार्य के संदर्भ में अगर पत्र लिखना हो, भले उसका प्रारूप आवेदन का हो, शिकायत का हो, क्रय का हो, चाहे जो हो, लेकिन आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि पत्र किस तरह से लिखे जाते हैं। तो अगर कोई आपसे पत्र लेखन की परिभाषा पूछे तो आप सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि अपने संदर्भ में या अपने बारे में जानकारी देने तथा संबंधित लोगों की जानकारी लेने के एक माध्यम के रूप में, एक साधन के रूप में पत्र का इस्तेमाल होता है। अगली स्लाइड देखें, पत्र लेखन का महत्व। आखिर पत्र लेखन का महत्व क्या है? दूर संचार साधनों के क्षेत्र में आज क्रांति हुई है, तथा दूरभाष जैसे साधन सर्व सुलभ होने के अतिरिक्त उपयोगी भी सिद्ध हुए हैं। उन साधनों के बावजूद आज फिर पत्रों के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। अनेक दृष्टियों से पत्र लेखन आवश्यक और उपयोगी है। यही नहीं, आधुनिक युग में पत्रों के प्रकार और आकार पर भी शैलीगत परिवर्तन हुए हैं।
एक ओर पत्र के माध्यम से हम व्यक्तिगत विचार, चिंतन, अनुभूति और संवेदनाओं की अभिव्यक्ति करते हैं, तो दूसरी ओर व्यापार और व्यवसाय के क्षेत्र में कार्यालय की औपचारिकताओं के संदर्भ में तथा पत्र पत्रिकाओं में अपनी समस्याओं को प्रकाशित करवाने में भी पत्र लेखन को महत्व देते हैं। अतः इस युग में पत्र लेखन का भी विशेष महत्व है। ये जो विशेष महत्व है इन्होंने लिखा है, इस संदर्भ में मैं ये कहूंगा कि पत्र लेखन का महत्व तो बना रह गया है। तमाम संचार की नई तकनीक के बावजूद पत्र लेखन ने अपनी अपने महत्व को इस 21वीं सदी में बनाए रखा है। उसका एक मूल कारण ये भी है कि पत्र सीधे सीधे आपके द्वारा लिखा जाता है, आपके हस्ताक्षर के साथ होता है और वो एक रिटेन एविडेंस के रूप में किसी भी कार्यालय में प्रस्तुत होता है। तो और जो डिजिटल फॉर्म है तमाम जो संचार के, जैसे मैंने बताया कि ईमेल इत्यादि, उसको लेके अभी हमारे बहुत से लोग हैं, हमारे बहुत से कार्य प्रणालियां हैं या पुराने लोग हैं, पुराने संपादक हैं, जो इन उस सारा कुछ डिजिटलाइज हो जाने के बाद भी व्यक्तिगत तौर पे वो पत्रों को एक खास जगह देते हैं। उन्हें ये लगता है कि पत्र जो होते हैं वो व्यक्तिगत रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लिखे जाते हैं, तो उनका आशय, उनका संदर्भ और उसका महत्व अधिक है। तो कुल मिला जुला के हम ये कह सकते हैं कि अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने कार्यालय और व्यवसाय के क्षेत्र की औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए, अपनी शिकायतों को बताने के लिए आज भी हम पत्र लेखन का उपयोग करते हैं। और आधुनिक युग में जनसंचार की तमाम विकल्पों के बावजूद पत्र लेखन ने जो है अपने महत्व को बनाए रखा है, और पत्र लेखन का महत्व इन तमाम संचार क्रांतियों के बाद भी कम नहीं हुआ है। अगली स्लाइड देखें। पत्र लेखन एक कला की, पत्र लेखन एक आर्ट है। आधुनिक युग में पत्र लेखन को कला की संज्ञा दी गई है। पत्रों में आज कलात्मक अभिव्यक्तियां हो रही हैं। साहित्य में भी इनका उपयोग होने लगा है। जिस पत्र में जितनी स्वाभाविकता होगी वह उतना ही प्रभावकारी होगा। स्वाभाविकता मतलब जो सहज हो, मतलब जिसमें जानबूझकर प्रभाव उत्पन्न न किया जाए, जो विषय और विषय के संबंध में स्वाभाविक रूप से अपनी बात कहता हो। एक अच्छे पत्र के लिए कलात्मक सौंदर्य बोध और अंतरंग भावनाओं का अभिव्यंजन आवश्यक है। एक पत्र में उसके लेखक की भावनाएं ही व्यक्त नहीं होती, बल्कि उसका व्यक्तित्व भी उभरता है। इससे लेखक के चरित्र, दृष्टिकोण, संस्कार, मानसिक स्थिति, आचरण इत्यादि सभी का एक साथ परिचय मिलता है। पत्र लेखन एक प्रकार की कलात्मक अभिव्यक्ति है, लेकिन इस प्रकार की अभिव्यक्ति व्यावसायिक पत्रों की अपेक्षा सामाजिक तथा साहित्यिक पत्रों में अधिक होती है। ये बात जो इन्होंने अंत में कही वो बड़ी महत्वपूर्ण है कि पत्र लेखन में कला दिखाने की या अपनी कला को अभिव्यक्ति कराने की जो बात है, वहां पे आप देखोगे कि औपचारिक पत्रों में उसकी संभावना कम होती है। जो आप लोग जिस तरह के पत्र लिखेंगे, जो ऑफिशियल लेटर्स लिखेंगे, वहां पे कलात्मक अभिव्यक्ति की उतनी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि वहां पे सरकारी मामले हैं, आपको कम से कम शब्दों में अपनी बात रखनी है, जो प्रारूप तय है उसी में अपनी बात कहनी है। लेकिन जब आप व्यक्तिगत तौर पे अपने घर परिवार, इष्ट मित्रों को पत्र लिखते हैं, तो साहित्यिक पत्र लिखते हैं या व्यावसायिक पत्र लिखते हैं, साहित्यिक पत्र लिखते हैं, तो वहां पे इस तरह की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। इसलिए वो कहते हैं कि पत्र लेखन जो है एक कला है। पत्रों के प्रकार, ये पिछला जो हमारा व्याख्यान था, हमारी कक्षा का जो व्याख्यान था, उसमें हम लोग इस बात को अच्छी तरह से समझ गए हैं कि पत्रों को विषय वस्तु एवं शैली के आधार पर मुख्य रूप से दो वर्गों में बांटा गया है, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि आपके पाठ्यक्रम में औपचारिक पत्रों के बारे में ही हमको पढ़ना है, अनौपचारिक पत्रों के बारे में नहीं पढ़ना है। लेकिन पत्रों के प्रकार क्या होते हैं,
औपचारिक पत्र क्या होता है, अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं, इतनी जानकारी तो हम लोगों को रहनी चाहिए। लेकिन आप ये ध्यान में रखिएगा कि आपके पाठ्यक्रम में ऑफिशियल लेटर्स मतलब औपचारिक पत्र हैं, जिसमें आवेदन और शिकायती पत्र और क्रय पत्र जैसे उसके जो प्रकार हैं वो आपको पढ़ने हैं, तो ये चीज भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब ये अर्थ बता रहे हैं औपचारिक पत्र का और अनौपचारिक पत्र का। तो पहले देख लीजिए औपचारिक पत्र क्या होता है। जैसा कि मैंने कहा औपचारिक पत्र को अंग्रेजी में ऑफिशियल लेटर्स बोलते हैं। सरकारी अर्ध सरकारी, अर्ध सरकारी का मतलब हो गया सेमी गवर्नमेंट है ना, और गैर सरकारी मतलब नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट जिसको बोलते हैं। तो सरकारी अर्ध सरकारी और गैर सरकारी संदर्भों में औपचारिक स्तर पर भेजे जाने वाले पत्रों को औपचारिक पत्र कहते हैं। इनमें व्यावसायिक कार्यालयी और सामान्य जीवन व्यवहार के संदर्भ में लिखे जाने वाले पत्र को शामिल किया जाता है। इन पत्रों में संक्षिप्तता होती है, स्पष्टता होती है, स्वतः पूर्णता की अपेक्षा रहती है। तो ये चीजें हम लोग पहले भी व्याख्यान में मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि जो औपचारिक पत्र होते हैं उसके जो गुण हैं या उसकी जो शैली है, उसकी जो विशेषता है, उसके हिसाब से पहली चीज है कि वो संक्षिप्त हो। अब यहाँ संक्षिप्त का मतलब छोटा नहीं होता, संक्षिप्त का मतलब होता है विषय के अनुकूल जितनी आवश्यकता हो उतनी ही बात कही जाए। अगर विषय के अनुकूल 3 से 4 पंक्तियों में आपकी बात हो गई है तो उसे और ज्यादा बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर विषय के अनुसार उसको 2 पैराग्राफ 3 पैराग्राफ में लिखना है तो भी लिख दीजिए, लेकिन ये ध्यान रहे कि वो 3 पैराग्राफ या 4 पैराग्राफ निश्चित तौर से आवश्यक हो। ऐसा नहीं कि जो बात 2 पंक्ति में कही जा सकती है उसके लिए आप 2 अनुच्छेद या 2 पैराग्राफ लिखें। तो संक्षिप्तता मतलब आप उसको जितना संक्षिप्त करके बेहतर तरीके से लिख सके वह उसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पे अनावश्यक चर्चा की गुंजाइश नहीं होती, तो संक्षिप्तता से अभिप्राय यही है। दूसरी विशेषता होती है स्पष्टता, उसे स्पष्ट होना चाहिए। जैसे आप किसी ऑफिस में कोई पत्र लिख रहे हैं तो आपका आवेदन पत्र या आपका आपका शिकायत पत्र या आपका क्रय पत्र पढ़ने के बाद पढ़ने वाले को ये स्पष्ट हो जाए कि लिखने वाला क्या है, उसका वो किस लिए लिख रहा है और उसकी समस्या क्या है या उसकी आवश्यकता क्या है। अगर आपके पत्र में स्पष्टता नहीं है तो जो पत्र लिखने का सारा हेतु है अगर वही नहीं समझ में आएगा तो वो आपका पत्र जो है आपको प्रभावी ढंग से लाभ नहीं दे पाएगा। इसलिए औपचारिक पत्रों को लिखते समय मैंने बार बार कहा कि इन इन बातों की ओर हमेशा ध्यान रहना चाहिए कि उसमें संक्षिप्तता हो, स्पष्टता हो और स्वतः पूर्णता की अपेक्षा रहती है। स्वतः पूर्णता से आशय ये है कि बहुत बार आप लोग देखते होंगे कि कई पत्रों के संदर्भ में जब दूसरे पत्र विभागों में अग्रसारित किए जाते हैं या फॉरवर्ड किए जाते हैं तो उसमें लिखा जाता है कि Attached letter is self-explanatory. तो ये जो self-explanatory है, अर्थात अपना explanation वो खुद दे सकता है, मतलब उसकी समस्या क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, उसकी जरूरत क्या है, उसके संदर्भ में संबंधित पत्र अपने बारे में पूर्णता से सारी बात कह लेता है, स्पष्टता से सारी बात कह लेता है। और इस तरह के पत्र जब अग्रसारित होते हैं तो निश्चित तौर पे उसका फल उन्हें ज्यादा जल्दी से मिलता है क्योंकि उस पत्र में किसी तरह की त्रुटि नहीं होती। त्रुटि से अर्थ है ये है कि जिस उद्देश्य को लेके वो पत्र लिखे गए हैं उन उद्देश्यों की पूर्णता में किसी तरह का व्यवधान नहीं होता। तो हमको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हम जो औपचारिक पत्र लिख रहे हैं भले वो आवेदन पत्र हो, शिकायत पत्र हो, क्रय आदेश संबंधी पत्र हो, उसमें संक्षिप्तता हो, स्पष्टता हो और इन दोनों के साथ वो अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो और पूर्णता हो, मतलब उसमें और किसी तथ्य की कमी न महसूस हो।
औपचारिक पत्रों के अंतर्गत दो प्रकारों के पत्र आते हैं। मतलब पहले आप लोगों ने देखा कि पत्र मोटे तौर पे दो प्रकार के हैं, ऑफिशियल जो है औपचारिक, और आपको पाठ्यक्रम के अनुसार औपचारिक पत्र ही पढ़ने हैं। तो इस औपचारिक पत्र के भी दो हिस्से हो जाते हैं, दो प्रकार हो जाते हैं। कौन कौन से? पहला सरकारी, अर्ध सरकारी और व्यावसायिक संदर्भों में लिखे जाने वाले पत्र। मतलब जो आप किसी सरकारी या गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या व्यावसायिक संदर्भों में जो पत्र लिख रहे हैं वो। दूसरा सामान्य जीवन व्यवहार करें या अन्य विशिष्ट संदर्भों में लिखे जाने वाले पत्र। कुछ विशेष अवसरों पर भी जो पत्र लिखे जाते हैं वो भी औपचारिक पत्रों के संदर्भ में ही गिने जाएंगे। तो ये दो पत्र जो है आपके औपचारिक पत्र में आ जाएंगे। आगे देखते हैं औपचारिक पत्र के प्रकार। जैसे मैंने कहा ना कि औपचारिक पत्रों के प्रकार की ही हम लोग चर्चा करते हैं क्योंकि हमारा पाठ्यक्रम उसी से संबंधित है। तो पहला इसमें है सरकारी, अर्ध सरकारी और व्यावसायिक संदर्भों में लिखे जाने वाले पत्र। इनकी विषय वस्तु प्रशासन, कार्यालय और कारोबार से संबंधित होती है। इनकी भाषा शैली निश्चित सांचे में ढली होती है। कहने का मतलब इनका जो, इनके पत्रों का जो प्रारूप होता है वो निश्चित होता है। जैसे किसी चीज का स्ट्रक्चर या सांचा निश्चित होता है, उसी तरह इनका प्रारूप भी निश्चित होता है। सरकारी कार्यालयों, बैंकों और व्यावसायिक संस्थानों द्वारा किए जाने वाले पत्र व्यवहार इस वर्ग के अंदर आते हैं। विभिन्न पदों के लिए लिखे गए आवेदन पत्र भी इसी श्रेणी में आते हैं। जब आप कहीं आवेदन करते हैं, किसी नौकरी के लिए आवेदन करते हैं, तो जो आप आवेदन पत्र लिखते हैं जिसे अंग्रेजी में एप्लीकेशन लेटर कहते हैं, वो औपचारिक पत्र के दायरे में आता है। बैंकों, बैंक कार्यालयों में, बीमा कार्यालयों में या इस तरह के तमाम सरकारी, अर्ध सरकारी या व्यावसायिक स्थलों पे जो पत्र व्यवहार आप करते हैं वो सारा का सारा पत्र व्यवहार इसी फॉर्मल लेटर्स या औपचारिक पत्रों के अंतर्गत आता है। आप संक्षेप में ऐसा समझे कि जब भी किसी कार्यालय या किसी संस्था के द्वारा या संस्था के लिए हम कोई पत्र लिखते हैं या उस संस्था या कार्यालय से कोई पत्र हम प्राप्त करते हैं, तो सामान्य तौर पे बहुतायत में वो पत्र जो है औपचारिक पत्र होते हैं। और वो जो पत्र होते हैं वो किसी न किसी विषय के संदर्भ में होते हैं। वो संक्षिप्त होते हैं, स्पष्ट होते हैं, उनका प्रारूप निश्चित होता है। प्रारूप मतलब स्ट्रक्चर, वो सब निश्चित होता है। आगे देखिए सामान्य जीवन व्यवहार के या अन्य विशिष्ट संदर्भों में लिखे जाने वाले पत्र। यह पत्र परिचित एवं अपरिचित व्यक्तियों को तथा विविध क्षेत्रों से संबंधित अधिकारियों को लिखा जाता है। इनकी विषय वस्तु सामान्य जीवन की विभिन्न स्थितियों से संबंध होती है। ये प्रायः सामान्य और औपचारिक भाषा शैली में लिखे जाते हैं। इनके प्रारूप में प्रायः स्थिति और संदर्भ के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। इसके अंतर्गत शुभकामना पत्र, बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र, शोक संवेदना, पूछताछ पत्र, शिकायती पत्र, संपादक को पत्र आदि पत्र आ जाते हैं। अगर आप किसी पत्र पत्रिका के संपादक को पत्र लिख रहे हैं तो वो भी औपचारिक पत्रों की श्रेणी में आएगा। अगर आप कहीं पे शिकायत कर रहे हैं, कंप्लेनिंग लेटर जिसको बोलते हैं, वो भी जो है औपचारिक पत्रों की श्रेणी में आएगा। अगर आप कोई पूछताछ के लिए भी कार्यालय में पत्र लिखते हैं तो वो ऐसे लेटर इंक्वायरी लेटर्स कहलाते हैं, है ना, कि आपको जानकारी चाहिए तो आप इंक्वायरी कर रहे हैं, तो वो भी औपचारिक पत्रों की श्रेणी में आएगा। अगर कोई इनविटेशन है और वो इनविटेशन भी, जैसे हम लोग देखते हैं जो निमंत्रण पत्र होते हैं उनका भी एक प्रारूप निश्चित होता है, उसको भी हम लोग जो है औपचारिक पत्र ही कहेंगे। अगर कोई दुखद घटना है उस संदर्भ में हम लोग जो शोक संवेदना पत्र या कंडोलेंस लेटर लिखते हैं, है ना, वो भी जो है इसी औपचारिक पत्रों की श्रेणी में आएगा। शुभकामना या बधाई पत्र भी जो है इसी औपचारिक पत्रों की श्रेणी में आएगा।
तो ये आप लोगों को स्पष्ट होना चाहिए कि ये सारे पत्र जो हैं औपचारिक पत्रों की श्रेणी में हैं। आगे चलिए, अब हम लोग आ जाते हैं प्रारूप पर, स्ट्रक्चर पे, कि इस तरह के जो पत्र हैं उनका प्रारूप कैसा होता है। जैसे मैंने कहा कि जो औपचारिक पत्र होते हैं, औपचारिक पत्रों का स्ट्रक्चर निश्चित होता है, मतलब उनका एक प्रारूप निश्चित होता है। तो जैसे मैंने उस दिन आपको कहा था कि प्रारूप पे नंबर होते हैं, और प्रारूप आप ध्यान से देखिए और उसको समझ के उसको लिखिए। जैसे यहाँ पे इन्होंने दिया है सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, और विद्यालय या महाविद्यालय का पता, दिनांक, विषय मान्यवर महोदय महोदया, है ना। और आप अपना संदेश, मतलब जो आपका आपके पत्र के जो विषय वस्तु है उसे लिखिए, बाद में धन्यवाद दीजिए, और आपका आज्ञाकारी छात्र छात्रा नाम। तो एक विद्यालय महाविद्यालय के छात्र के रूप में जब हम अपने प्राचार्य को कोई पत्र लिखते हैं, या प्रिंसिपल प्रिंसिपल प्राचार्य महोदया को कोई पत्र लिखते हैं, तो हम लोग इसी तरह से लिखेंगे। जैसे आप के एम अग्रवाल महाविद्यालय के छात्र हैं, तो आप लिखेंगे सेवा में प्रधान सेवा में प्राचार्य, आप चूंकि आपका महाविद्यालय है तो विद्यालयों में प्रधानाचार्य होते हैं, महाविद्यालयों में प्राचार्य या प्राचार्या होती हैं। तो हमारे यहाँ प्राचार्या महोदया हैं, तो हम लिखेंगे सेवा में प्राचार्या महोदया या प्राचार्या खली पीएम अग्रवाल महाविद्यालय कल्याण पश्चिम, उसके बाद दिनांक। और ये लिखने के बाद थोड़ा सा अंतर देके हम लोग लिखेंगे विषय। तो आपका विषय कुछ भी हो सकता है, जैसे आपने लिखा कि बीमारी के कारण एक हफ्ते तक महाविद्यालय न आ पाने के संदर्भ में, है ना, या लाइब्रेरी से पुस्तक न मिलने के संदर्भ में, है ना, या हमारे व्याख्यान समय पर न होने के संदर्भ में, या फीस हमारा जो प्रवेश परीक्षा का शुल्क है वह न भर पाने के संदर्भ में, मतलब आपकी जिस तरह की भी समस्याएं हैं आप किस संदर्भ में पत्र लिख रहे हैं वो प्रिंसिपल को मालूम होना चाहिए। जैसे अगर आपने विषय में लिख दिया कि फीस के संदर्भ में, तो जब प्रिंसिपल देखेगा कि ये फीस के संदर्भ में है तो उससे संबंधित जो व्यक्ति है उसको वो पत्र अग्रसारित हो जाएगा या उसको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। अगर आप लिखोगे कि व्याख्यान समय पर न होने के संदर्भ में, तो जो आपके लेक्चर कोऑर्डिनेटर हैं उनको वो पत्र अग्रसारित कर दिया जाएगा। अगर वह पत्र जो है सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने के संदर्भ में है, तो आपका जो आर्ट सर्कल है या कल्चरल इंचार्ज है उनको वो पत्र फॉरवर्ड किया कर दिया जाएगा। तो विषय से यह सुविधा होती है कि पढ़ने वाला ये समझ जाता है कि इस ये किस संदर्भ में है और किस व्यक्ति को आगे की कार्रवाई के लिए ये पत्र भेजना है। तो हमेशा जब भी आप इस तरह के औपचारिक पत्र लिखें तो वहां पे आप विषय जरूर लिखें। विषय के बाद संबोधन भी जरूरी है, भाई आप जिस अधिकारी को या जिस प्रशासनिक व्यक्ति को पत्र लिख रहे हैं आप उसके लिए आदर सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके उसको संबोधित करिए ताकि उसे अच्छा लगे। और ये वैसे भी जो सामान्य तौर पे पत्रों का शिष्टाचार है उसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी है। आगे देखिए इसके प्रारूप के संदर्भ में, जैसे यहाँ पे एक प्रार्थना पत्र है ना, रिक्वेस्ट है। अब किस बारे में रिक्वेस्ट है ये देखिए, जैसे इन्होंने सेवा में अपने स्कूल का नाम लिखा है, तारीख लिखी है, और महोदया सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 6 की छात्रा हूँ, कल रात से बहुत तेज बुखार है, डॉक्टर ने मुझे एक सप्ताह तक विश्राम करने के लिए कहा है, इसलिए मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ, अतः आपसे प्रार्थना है कि मुझे आप इतने दिनांक से इतने दिनांक तक अवकाश प्रदान करने की कृपा करें, अवकाश अर्थात छुट्टी प्रदान करने की कृपा करें। तो इस तरह के प्रार्थना पत्र जो है प्राचार्य को या महाविद्यालय के प्राचार्य को हम लोग लिखते हैं, तो उसका एक प्रारूप इन्होंने दिया है। आगे ये आ जाते हैं अनौपचारिक पत्रों के संदर्भ में। तो अनौपचारिक पत्र क्या है ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है, भले वो आपके पाठ्यक्रम में नहीं है लेकिन जब आप पत्रों के बारे में पढ़ रहे हैं, और निश्चित तौर पे जब आप औपचारिक पत्र पढ़ रहे हैं,
तो आपको एक विद्यार्थी होने के नाते मालूम होना चाहिए कि अनौपचारिक पत्र क्या है। इस संदर्भ में मैं पहले ही निवेदित कर चुका हूं कि इस प्रकार के पत्रों में पत्र लिखने वाले और पत्र पाने वाले के बीच नजदीकी या घनिष्ठ संबंध होता है। यह संबंध पारिवारिक तथा अन्य सगे संबंधियों का भी हो सकता है और मित्रों का भी हो सकता है। इन पत्रों को व्यक्तिगत पत्र भी कह सकते हैं, पर्सनल लेटर जिसको बोलते हैं। इन पत्रों की विषय वस्तु निजी और घरेलू होती है। इनका स्वरूप संबंधों के आधार पर निर्धारित होता है। पत्रों की भाषा शैली प्रायः अनौपचारिक और आत्मीय होती है। ये व्यक्तिगत पत्र हैं, मतलब आपके व्यक्तिगत संबंधों से जुड़े हुए हैं। आपके जिससे जिस तरह के संबंध हैं उस तरह के संबोधन हो जाते हैं। अगर आप अपने घर में अपने से बड़े, अपने माता पिता या अपने बड़े अपने गुरुजनों को पत्र लिख रहे हैं तो उसमें आपका संबोधन और उसका कलेवर अलग हो जाएगा। अगर आप अपने छोटे भाई बहन या मित्रों से बात कर रहे हैं तो उसका कलेवर अलग हो जाएगा। इनकी भाषा शैली में कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती, कोई औपचारिकता नहीं होती। हर आदमी अपने ढंग से इन पत्रों को लिखता है, लेकिन इनमें आत्मीयता होती है, एक सहजता होती है, एक सरलता होती है। और औपचारिक पत्रों की तुलना में ये पत्र बड़े होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको कम से कम शब्दों में अपनी बात रखने की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यहाँ आप सहज रूप से दिल खोल के अपने लोगों से बात करते हैं। तो ये पत्र औपचारिक पत्रों की तुलना में प्रायः बड़े होते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं अनौपचारिक पत्र। आगे की स्लाइड हम देखेंगे। इन्होंने अनौपचारिक पत्रों का जो है प्रारूप दिया है, इसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। ये एक अनौपचारिक पत्र का इन्होंने उदाहरण दिया है कि कॉलेज की पिकनिक जाने वाली है। अब पिकनिक की फीस मान लीजिए 1000 रुपए आपको भरनी है, तो वो 1000 रुपए आप अगर आप हॉस्टल में रहते हैं या घर से दूर रह के पढ़ाई करते हैं तो वो पैसे मंगाने के लिए आपको पिताजी को पत्र लिखना है। तो वो पत्र जो है औपचारिक में नहीं आएगा, वो अनौपचारिक में ही आएगा। आप अपने पिताजी को अपना कुशल क्षेम बताते हुए विद्यालय की गतिविधियों और अपनी पढ़ाई में आपका जो डेवलपमेंट है, आपका जो विकास है, उसकी चर्चा करते हुए आप उनसे पैसों की मांग करते हैं। तो ये एक व्यक्तिगत पत्र हो गया पिता और पुत्र या पुत्री और पिता के बीच में। तो ये अनौपचारिक पत्र का एक उदाहरण इन्होंने यहाँ पे प्रस्तुत किया। पत्र के अंग मतलब जो स्ट्रक्चर होता है, चाहे वो उस स्ट्रक्चर में कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण हैं उनको आप देख लीजिए। पत्र चाहे औपचारिक हो या अनौपचारिक, सामान्यतः निम्नलिखित उसके अंग होते हैं, हिस्से होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, उनके बारे में जानकारी होना भी बहुत महत्वपूर्ण है। पहली चीज है इसमें पता और दिनांक, कि पता कहाँ लिखें और दिनांक कहाँ लिखें। तो मैंने आप लोगों को पहले व्याख्यान में भी बताया था कि जो पत्र लिख रहा है वो जो है अपना पता पन्ने के या पृष्ठ के दाहिने हाथ की तरफ ऊपर लिखे, जिसको पत्र लिख रहा है उसका बाएं हाथ की तरफ उसके नीचे लिखे, और उसी के नीचे वो दिनांक वगैरह भी लिख दे। ये चीज मैंने आपको बताई थी। उसके बाद जो है आप विषय लिखें, अगर संदर्भ हो, रेफरेंस हो तो रेफरेंस भी लिखिए, अच्छी चीज है। और उसके बाद आप संबोधन या अभिवादन करें कि माननीय महोदय या महोदया। उसके बाद पत्र की सामग्री मतलब जो पत्र लिखना है वो एक या दो पैराग्राफ में आवश्यकता अनुसार पत्र के प्रारूप के अनुसार कि वह औपचारिक है या अनौपचारिक आप वो अभिवादन लिख दें। उसके बाद पत्र की समाप्ति करें और अपना हस्ताक्षर करें। और उसके बाद परीक्षाओं में जो आप लोगों के, हम लोग इस बात की अपेक्षा रखते हैं कि पत्र लिखने के बाद आप उसका एक लिफाफा भी बनाएं पेंसिल या पेन से, और उसमें भी आप ये लिखें कि प्रेषक कौन है और उसे प्राप्त करने वाला कौन है। तो प्रापक, जो प्राप्त करेगा पत्र वो कौन हो जाएगा, प्रापक। और जो पत्र लिखेगा वो कौन हो जाएगा, प्रेषक। प्रेषक मतलब भेजने वाला। तो भेजने वाला और पाने वाला, उन दोनों के लिए दो अच्छे शब्द हैं। जो पाने वाला है वो प्रापक है, जो भेजने वाला है वो प्रेषक है। तो हम लोग जानते हैं कि पेपर के मध्य में जैसे हम लोग लिखते हैं टू द
या हिंदी में सामान्य शब्द जो बहुत प्रचलित है वह है सेवा में। तो मान लीजिए आप महाविद्यालय के प्राचार्या को पत्र लिख रहे हैं, तो यहाँ पे प्रापक कौन हो जाएगा? प्राचार्या। तो आप लिखेंगे सेवा में प्राचार्या के एम अग्रवाल महाविद्यालय कल्याण पश्चिम। और प्रेषक कौन हो जाएगा? तो आप पत्र लिख रहे हैं तो आप प्रेषक हो जाएंगे। तो इन दो चीजों का लिफाफे में हमेशा ध्यान रखें कि अक्सर विद्यार्थी उल्टा कर देते हैं। जहां पे प्रापक में प्राचार्य का पता लिखना है वहां पे अपना लिख देते हैं, मतलब वो अपना पत्र अपने आप को ही भेज रहे हैं। उससे क्या होता है, उस लिफाफे के जो नंबर होते हैं, और अगर ये चीज आपने स्ट्रक्चर में भी गलती की है तो स्ट्रक्चर के पूरे नंबर आपके चले जाते हैं। तो आप लोग हमेशा ये ध्यान रखें, दो शब्द, प्रापक और प्रेषक। प्रापक मतलब जो पत्र प्राप्त करेगा, जिसको पत्र लिखा जा रहा है उसका पता बीच में आएगा, लिफाफे के एकदम बीच में। और जो पत्र भेजने वाला है उसका पता बाई तरफ नीचे प्रेषक के रूप में हम लोग लिखते हैं, अर्थात जो पत्र लिख रहा है उसका। पत्र की सामग्री, पत्र की समाप्ति, स्वर निर्देश और हस्ताक्षर, ये सब पत्र के महत्वपूर्ण अंग हैं। ये आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने इसकी चर्चा की। पता और दिनांक जो है मैंने बताया कि जो प्रापक है उसका पता लिखने के बाद बाईं तरफ में नीचे ही लिख देना चाहिए। और संबोधन की जैसे अगर आपसे बड़ा है तो आप आदरणीय या प्रतिष्ठा में महोदय महोदया, माननीय महोदय महोदया, इस तरह के जो आप संबोधन देते हैं वो भी ध्यान रखना है कि आप किसके लिए। और प्रिय जैसे शब्द हम लोग अपने से छोटों के लिए इस्तेमाल करते हैं। और औपचारिक जहां पत्र है, जिस तरह के पत्र आप ज्यादा लिखेंगे वहां पे माननीय महोदय या महोदया शब्द का इस्तेमाल होता है। प्रिय महोदय या महोदया नहीं इस्तेमाल होता, क्योंकि जैसे ही आपने प्रिय लिख दिया इसका मतलब वो आपसे छोटा है, तो वहां पे फिर महोदय या महोदया का संबोधन हम लोग सामान्य तौर पे नहीं करते। तो आप इस स्लाइड के आधार पे मत जाइएगा, जिस तरह के औपचारिक पत्रों का संदर्भ हमारे पाठ्यक्रम से है वहां पे आप माननीय महोदय या महोदया का ही संबोधन दीजिए, वो ज्यादा उचित है। आगे अनौपचारिक पत्रों के संबंध में इन्होंने बातें कही है, लेकिन चूंकि अनौपचारिक पत्र पाठ्यक्रम की दृष्टि से हमारा विषय नहीं है इसलिए हम इन पे ध्यान नहीं देंगे, हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे कुछ तरह के संबोधन दिया है कि किस तरह से संबोधन करें, जैसे पिताजी के लिए पूज्य पिताजी है ना, आपका स्नेहाकांक्षी, माता पिता के लिए है ना तुम्हारी शुभाकांक्षिणी है ना। लेकिन इस तरह के पत्र चूंकि आपको इनका संदर्भ आपके पाठ्यक्रम से नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके पाठ्यक्रम में आपको औपचारिक पत्र पढ़ने हैं, तो हमारे लिए ये जो स्लाइड है ये भी उतनी उपयोगी नहीं है। भौदी और भौदिया, ये दो शब्द हम अक्सर इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन छात्र के रूप में आपकी छात्र छात्रा या आपका आज्ञाकारी छात्र, ये जो है, ये वाला संबोधन जो है ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पत्रों की समाप्ति पे स्वनिर्देश, मतलब अंत में आपको हस्ताक्षर करने, अपना नाम लिखना है, हस्ताक्षर करना है, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने स्पष्ट रूप से उन सारी चीजों को समझ लिया है। प्रभावशाली पत्र कैसे लिखें, इसके बारे में उन्होंने कुछ चीजें लिखी हुई हैं। ये महत्वपूर्ण है कि पत्र का लेख सुंदर हो, शुद्ध हो, सुवाच्य हो, पत्र की भाषा सहज सरल हो, वाक्य छोटे छोटे हों, स्पष्ट हों। ये मैंने आपको लोगों को पहले भी बताया था। पत्र के विषय को अलग अलग अनुच्छेद में लिख सकते हैं, मतलब पैराग्राफ में लिख सकते हैं। विषय की पुनरावृत्ति कभी न करें, मतलब एक ही चीज को बार बार दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, इससे पत्र का सौंदर्य जो होता है बिगड़ जाता है। औपचारिकता को अधिक विस्तार न दें, जैसे जो चीजें औपचारिक होती हैं, जहां पे संबंध फॉर्मल होते हैं वहां पे उनके बहुत विस्तार की आवश्यकता नहीं होती, तो ऐसे अनावश्यक विस्तार से हमको बचना चाहिए। आवश्यक बातों को प्राथमिकता देकर पहले लिखें, जो बातें महत्वपूर्ण हैं उन्हीं को पहले और अच्छे से प्राथमिकता के साथ हम ऑप्शन दे दें, प्राथमिकता के साथ मतलब प्रायोरिटी के साथ आप उनको पहले लिख दें। पत्र में कभी कठिन भाषा एवं अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, आप बहुत कठिन भाषा मत इस्तेमाल करिए,
अपशब्द मत बोलिए किसी के बारे में, किसी भाषा गलत भाषा का इस्तेमाल मत करिए, गाली गलौज मत करिए, क्योंकि जैसे ही आप लिखित रूप में किसी को अपशब्द कहते हैं, गाली देते हैं और उसके नीचे आप अपना नाम लिख के हस्ताक्षर भी कर देते हैं, तो वह आपके खिलाफ एक तरह का एविडेंस होता है। कोई भी उस चीज को आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। कही हुई बात से आप मुकर सकते हैं, लेकिन अगर वो भी अगर रिकॉर्ड हो रहा है तो नहीं। जैसे मैं आप लोगों को इस समय पढ़ा रहा हूँ और ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, तो मैं जो भी कह रहा हूँ उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ कल, क्योंकि कल ये अगर मैं अपनी बात से मुकरूंगा कि नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा है, तो कोई भी आप में से मुझे ये वीडियो सुनाएगा कि बगा सर तुम्हें नहीं लेक्चर मध्य तुम्हें काय मनाले होते आयका आयकुन गया, तो वो एक एविडेंस हो जाता है। ठीक उसी तरह अगर आप पत्र में लिखित रूप में कोई चीज दे रहे हैं, तो वहां पे किसी के संदर्भ में ऐसी भाषा या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिससे जो है वो अपमानित महसूस करे या उसके उसके उसको बुरा लगे और वो आपके प्रति किसी तरह की कोई धारणा बनाए या आपके खिलाफ कोई कार्यवाही करे। तो हमें किसी भी लिखित दस्तावेज में किसी के खिलाफ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि आप किसी को लिखित रूप में गालियां दें, उसे अपशब्द बोलें, उसे धमकी दें। इस तरह की चीजें हमको नहीं करनी चाहिए। लिखित क्या इस तरह की चीजें मौखिक रूप में भी नहीं करनी चाहिए। हमें कहा जाता है ना कि हमें दूसरे से उसी तरह का व्यवहार करना चाहिए जिस तरह की व्यवहार की अपेक्षा हम दूसरे से अपने लिए करते हैं। तो अगर आप दूसरे से अच्छा व्यवहार करेंगे तो वो भी आपसे अच्छा व्यवहार करेगा। आप यदि किसी से सम्मानपूर्वक आदर के साथ बात करेंगे तो वह भी आपके साथ सम्मानपूर्वक और आदर से बात करेगा। इसलिए हमेशा जो है हमें एक दूसरे से आदर का भाव रखना चाहिए, एक दूसरे से अच्छे से बात करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने जो चर्चा की आज पत्र लेखन और उसके प्रारूप के संदर्भ में, ये जो पीपीटी ऑनलाइन उपलब्ध हो गई थी वो पीपीटी मुझे काफी अच्छी लगी। उसको ठीक ठाक ढंग से उन्होंने बनाया था। जहां पे बदलाव की जरूरत थी मैंने आपको कहा कि बदलाव है। अगर आप चाहेंगे तो ये जो सज्जन है इनकी पीपीटी मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में आपके आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पे भी शेयर कर लूंगा। तो आप लोग पत्र के बारे में समझ गए, अपना आप अपने आप को अनम्यूट करके आप थोड़ी बात कर सकते हैं। अक्षदा, शालिनी? यस सर, यस। हाँ सर। तो ये चैप्टर मुझे लगता है पत्र वाला जो है हम लोगों का कंप्लीट हुआ। इसके नोट्स भी आपके पास हैं, ये पीपीटी के भी नोट्स मैं आप लोगों को दे दूंगा। अगले लेक्चर से हम लोग किसी अगले टॉपिक पे जो आपके पाठ्यक्रम से संबंधित है उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। एक दो मिनट रह गए हैं, किसी भी समय जूम जो है हमारा लेक्चर बंद कर सकता है ना। तो आज का लेक्चर हम लोग खत्म करते हैं और कल फिर हम लोग किसी आपके पाठ्यक्रम के किसी नए विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है।